भीड़ देखो भाई, यहाँ पे आप अपना पर्स फोन का बहुत ध्यान रखना भाई, अगर आप कभी भी आते हो, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। सीरियसली बहुत चीप मार्केट है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे सारी चीजें पड़ी हैं। सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं लाल किला दिल्ली, ये आपकी बेस्ट फोटो रहने वाली है भाई। बहुत ज्यादा लोग आ रखे हैं, पेन ड्राइव वगैरह ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा सामान पूरा। मैं आ गया हूँ गुरुद्वारा शीश गंज साहिब, जो कि बिल्कुल रेड फोर्ट के ऑपोजिट आपको पड़ेगा, और पूरी जो जगह है यहाँ पे आपको कैमरे की मार्केट मिलेगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ दिल्ली रेड फोर्ट और उसके बाहर की मार्केट, और उसके बाद हम जाएंगे शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। तो इस वीडियो में आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है अगर आप दिल्ली रेड फोर्ट घूमने आते हो, और उसके अलावा आप यहाँ पर क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलो जल्दी से चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी मैं आ गया हूँ रेड फोर्ट दिल्ली में, और अभी मैं पार्किंग में खड़ा हूँ। पार्किंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है और खुली डुली है रेड फोर्ट की, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। आपको लेके चलता हूँ मैं रेड फोर्ट, जो कि मेन अट्रैक्शन है दिल्ली की, है ना। तो चलो चलते हैं, और उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि इंडिया गेट हो गया, और उसके अलावा जो यहाँ की मार्केट है बड़ी फेमस, वहाँ पे भी आपको लेके चलूँगा। और ये है दिल्ली की वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट प्लेसेस, जो कि सबसे टॉप पे मानी जाती है अगर आप दिल्ली घूमने आते हो तो। यहाँ तो आप पक्का ही आना बनता है, और आप जैसे कि टूरिस्ट देख ही रहे हो, कितने सारे टूरिस्ट अभी भी आना स्टार्ट हो गए हैं। और पार्किंग मैंने आपको दिखाई दी है, कितनी खुली डुली पार्किंग है, और ये किला बहुत बड़ा है भाई। तो सबसे पहले टिकट लेंगे, जैसे ही आप पार्किंग से निकलोगे ना, तो आपको आपके बिल्कुल राइट साइड पे मिल जाएगा ये टिकट काउंटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्कैन करके ऑनलाइन भी टिकट बाय कर सकते हो, और सामने से आप मैनुअली टिकट भी ले सकते हो। ये टिकट के प्राइस आप आपके सामने देख सकते हो, है ना। इसके अंदर जितने भी प्राइस है टिकट के, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अगर आप घूमना चाहते हो। तो चलो भाई, आपको मैं सारा व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ आके पक्का जाना भाई, यहाँ पे फोटोग्राफी बहुत अच्छी होएगी, है ना, फोटोज़ आपके अच्छे अच्छे आने वाली हैं। और ये आपकी वन ऑफ द टॉप प्लेस रहने वाली है दिल्ली में, जो टूरिस्ट प्लेस है। ये पूरा जो लाल किला है आपके सामने है, पूरा लाल पत्थर से बना हुआ है, तो तभी इसको रेड फोर्ट लाल किला बोला जाता है। और ये सारा का सारा स्ट्रक्चर भाई मुगल स्ट्रक्चर है, और फोटोग्राफी कर रहे हैं लोग। मेन एंट्रेंस मुख्य रेड फोर्ट की वो इस साइड है, अभी आपको मेन एंट्रेंस भी दिखा दूंगा। और देखो भाई कितना बड़ा है, कितना ह्यूज है, और अगर आप खुद आके यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो रेड फोर्ट दिल्ली को, तो आपको मैं सामने का व्यू दिखाता हूँ। तो भाई एक और ख़ास चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ ये रेड फोर्ट की, अगर आपने पुराने किले देखे होंगे ना, तो जितने भी है भाई ये आप साइड पर जगह देख रहे हो ना, ये सारी खाली पड़ी है। यहाँ पर पानी होता था, पूरा यहाँ पर पानी भरा करता था, क्योंकि अगर कोई भी दुश्मन अटैक कर रहा आके, है ना, तो वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी होता था। तो चारों तरफ ये जो बना हुआ है इसके अंदर पानी होता था। तो भाई अभी मैं आपको जो व्यू दिखाने वाला हूँ ना, वो सबसे बेस्ट व्यू है रेड फोर्ट का, और यहाँ आके आप पक्का फोटोग्राफी यार पक्का करके जाना, और फोटो पक्का खिंचवा के जाना। तो ये आपकी बेस्ट फोटो रहने वाली है भाई। ये है देखो भाई व्यू रेड फोर्ट का, और देखो भाई कितनी दुनिया यहाँ पे, कितने लोग यहाँ पे फोटोज़ खिंचवा रहे हैं। देखो भाई अब आपको थोड़ा करीब से दिखाता हूँ, ये देखो। तो भाई ये है मेन अट्रैक्शन दिल्ली की, अगर आप दिल्ली आ रहे हो तो आप यहाँ पे फोटोग्राफी कर सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और पब्लिक तो आप देख ही सकते हो भाई कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और फोटोग्राफी तो एक नंबर होएगी यहाँ पे अगर आप आते हो। तो दिल्ली पक्का आके जाना, और टिकटें मैंने आपको बता दी हैं क्या प्राइस है, अगर आपका मन है आप अंदर भी जा सकते हो। तो चलो भाई अभी मैंने आपको पूरा इसका बाहर का व्यू दिखा दिया है रेड फोर्ट का, और यहाँ अगर आओगे तो भाई यहाँ ये वाला पॉइंट पे पक्का आना, यहाँ से फोटोग्राफी बहुत अच्छी होती है अगर आप फोटोज खिंचवाना चाहो। अभी आपको लेके चलते हैं इसी जगह पे एक और जो फेमस प्लेस है घूमने के लिए, वो है शीशगंज गुरुद्वारा साहिब। तो चलो वो ही अभी हम चलते हैं, रेड फोर्ट के आपको बहुत पास पड़ेगा, अगर आप दिल्ली घूमने आ रहे हो तो आप शीशगंज गुरुद्वारा साहिब के भी दर्शन कर सकते हो। तो चलो अभी चलते हैं गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। फिर देखो भाई यहाँ पे आप अपना पर्स फोन का बहुत ध्यान रखना भाई, अगर आप कभी भी आते हो भाई। अगर आप रेड फोर्ट घूमने आ रहे हो तो उसके बिल्कुल सामने ही, वो देखो सामने है रेड फोर्ट, और इसके बिल्कुल सामने है जैन मंदिर, आप यहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। तो ये भी एक रेड फोर्ट के साथ साथ आपको यहाँ पे भी दर्शन करने का मौका मिल सकता है, तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। यहाँ ये देखो भाई, ये है जैन मंदिर, और यहाँ पर आप ये कुल्फी वगैरह ये सब कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रीट फूड है जो आप एंजॉय करोगे, भी पूरी रोड को अच्छे तरीके से घूम सकते हो। तो चलो अभी आगे चलते हैं। तो भाई दिल्ली सच में अगर आप आ रहे हो ना, बहुत बहुत बड़ा है, आप एक या दो दिन में कवर नहीं कर पाओगे। मेरी वीडियो भी थोड़ी लंबी होने वाली है, शायद मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ,
बट ये है कि आप जितना मैं हो सका आपको बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस दिखाऊंगा जहां आप इजीली घूम सकते हो, और मैं कुछ इस तरीके से बताऊंगा ताकि आप एक जगह आओ और वहां पे आप तीन चार जगह कवर कर पाओ, है ना। तो इस तरीके से है। तो अभी रेड फोर्ट वाली जगहों में मैं हूँ, चांदनी चौक पे, पुरानी दिल्ली, यहाँ पे रेड फोर्ट है। अभी मैंने आपको मंदिर भी दिखा दिया, जैन मंदिर। अभी आगे चलते हैं। अगर आप रेड फोर्ट आओगे ना, सामने रेड फोर्ट है देखो, और उसके सामने मंदिर को भी आप विजिट कर सकते हो, और यहाँ से ही आपको पूरी ये मार्केट स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको इस तरीके से पूरी मार्केट देखने को मिलेगी। ये पर्स हो गए, और सीरियसली बहुत चीप मार्केट है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हैं। तो यहाँ से आप शुरू करोगे, पूरी आगे तक मार्केट होगी। तो अब इस मार्केट को तो पक्का विजिट करके जाना भाई। ये देखो भाई कितने सही सही ये की हैंगर्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे हैं। और उसके अलावा और भी बहुत मार्केट है, अभी आपको आगे दिखाता हूँ। बहुत टूरिस्ट आ रखे हैं, फॉरेन से भी बहुत ज़्यादा लोग आ रखे हैं। पेन ड्राइव वगैरह ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा, सामान पूरा बहुत सही सही सब कुछ सामान मिलेगा। इस तरीके से आप काफ़ी कुछ बाय कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो अभी आगे तक दिखाता हूँ आपको। तो ये है भाई चांदनी चौक की मार्केट, बिल्कुल उसके सामने रेड फोर्ट के सामने जो मार्केट लगती है, बहुत बढ़िया है। अभी आगे तक चलते हैं। तो ये सच में मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप इधर आओगे ना, ये देखो शूज़ मिल जाएंगे, बैग मिल जाएंगे आपको, हर एक चीज़ मिलेगी भाई। ये जितने भी मार्केट है ना, इस एंड तक है। अभी हम जा रहे हैं शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ, और उससे पहले पहले ही और उसके बीच में, रेड फोर्ट के बीच में ये मार्केट है ना, जो भी मैं दिखा रहा हूँ आपको। और पूरी जो जगह है यहाँ पे आपको कैमरे की मार्केट मिलेगी। तो जैसे भी यहाँ से आप अंदर भी एंटर करोगे ना, तो अंदर आपको ये जितनी भी मार्केट दिख रही है ना मेरे आगे पीछे, ये सारी है कैमरा मार्केट। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएंगे सारे, पुराने नए जितने भी हैं, सारे लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके अलावा जो आप माइक यूज़ करते हो, वायरलेस माइक हो गए, कॉलर माइक हो गए, तो सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, और मार्केट से बहुत जेन्युइन रेट में मिलेगा। जैसे आप ऑनलाइन भी देखते हो, तो आप उस हिसाब से यहाँ पे आके ये भी बाय कर सकते हो। अभी मैं रेड फोर्ट वाली मार्केट में हूँ, रेड फोर्ट के जो सामने है, तो ये ही वो जगह है, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। अगर आप इसी मार्केट में थोड़ा आगे आओगे यहाँ पे, यहाँ की जलेबी ट्राई करके पक्का जाना। ये जलेबी तो पक्का ट्राई करके जाना भाई, जलेबी वाला। तो भाई मार्केट बहुत बढ़िया है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जाते जाते आपको ये मार्केट मिलेगी, और बहुत आपको अच्छा लगेगा इस मार्केट में घूम के। काफ़ी कुछ आप यहाँ से खरीद सकते हो, इतनी इतनी चीज़ें आपको बहुत रीजनेबल प्राइस पे, इवन की कैमरा मार्केट जो मैंने भी आपको दिखाई है, तो वहाँ से भी बाय कर सकते हो। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, जो कि बिल्कुल रेड फोर्ट के ऑपोजिट आपको पड़ेगा। और यहाँ तक आने के लिए आपको ये पूरी मार्केट से होके आना पड़ेगा, और ये मार्केट से आप पैदल भी होके आ सकते हो। पार्किंग आप अपनी कर दो रेड फोर्ट की पार्किंग में, या फिर किसी भी तरीके से, और वहाँ से आप रेड फोर्ट को विजिट करके उसके बाद ये मार्केट से होते हुए आप सीधा आ सकते हो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब। तो गुरुद्वारा शीशगंज साहिब के दर्शन करते हैं। तो अगर आपको गुरुद्वारा शीशगंज साहिब की एक ब्रीफ में वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। वह पूरा 360 व्यू दे रहा हूँ मैं बाहर का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जी का। अब अंदर चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के और दर्शन करते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ गुरुद्वारा साहिब जी के दर्शन करके, और ये गुरुद्वारा साहिब सच में बहुत ज़्यादा ही सुंदर है भाई अंदर से। अगर आप कभी भी रेड फोर्ट वाले साइड आते हो, तो शीशगंज साहिब गुरुद्वारा साहिब के दर्शन पक्का करके जाना। तो चलो अब आगे एक्सप्लोर करते हैं और मार्केट में क्या क्या है, आ जाओ मेरे साथ। तो ये गुरुद्वारा साहिब के बिल्कुल सामने वाली ही शॉप्स हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे भी बहुत कुछ है भाई लेने के लिए, एक्सेसरीज़ वगैरह। ये देखो ये वाजीवा एक शॉप है, यहाँ पर अगर आपको लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर करना है, तो ये बेस्ट जगह है आपके लिए। देखो बिल्कुल सामने ही है गुरुद्वारा साहिब के। तो अभी मैं आ गया हूँ लाइट मार्केट में, जो कि बहुत बड़ी मार्केट है। जैसे कि मैंने आपको पहले कैमरा मार्केट दिखाई है, ये भी उसी तरीके से लाइट मार्केट है। जैसे कि दिवाली पे जितनी भी लाइटिंग्स होती हैं, जो आप अगर आप चंडीगढ़ में रह रहे हो या दिल्ली में रह रहे हो, जो यहीं से ही सारी जगह भेजी जाती हैं वो लाइटें, और बहुत ही सस्ते प्राइस में आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो बिल्कुल आपको 50% के प्राइस पे मिल जाएगी अगर आप यहाँ से बाय करते हो। तो अगर आप कभी भी दिल्ली आ रहे हो चांदनी चौक वाली साइड, गुरुद्वारा वाली साइड, तो यहाँ से आप सारी लाइटिंग बाय कर सकते हो। इवन कि घर की लाइट जो भी होती है, जो अगर आप घर में यूज़ करते हो लाइटें, ये देखो भाई सारी लाइटें हैं यहाँ पर। ये तो सारी दिवाली वाली लाइटें आ गई, और उसके अलावा भी जो आपके घर में जो लाइट्स यूज़ होती हैं, ट्यूब लाइट्स, वो सब कुछ है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्विचेस भी मिल जाएंगे आपको। तो ये आप इस साइड भी आके एक्सप्लोर कर सकते हो। तो भाई ये है मेन एंट्रेंस लाइट मार्केट की, तो यहाँ से आप जा सकते हो, और बिल्कुल मैकडोनल्ड के साथ ही है, साथ में मैकडी है, और इसके बिल्कुल साथ में ये मेन एंट्रेंस बनी हुई है लाइट मार्केट की। तो यहाँ से आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो।
पूरी मार्केट को और आपको हर तरीके की फैंसी लाइट मिल जाएगी। तो काफ़ी शॉप्स आपको इलेक्ट्रिक मार्केट के बाहर भी देखने को मिलेंगी, जैसे ये देखो मेक इन इंडिया शॉप है, यहाँ पर इतने सारी फैंसी लाइट्स पड़ी हैं। ये SBI के साथ में ही है, SBI बैंक के ATM के साथ में ही है, और ये शॉप मुझे बड़ी अच्छी लगी है, छोटी सी। यहाँ पर आपको बड़े ही स्मार्ट गैजेट्स मिल रहे थे छोटे छोटे। तो चलते चलते थोड़ा और आगे आ गया हूँ अभी मैं, और देखो भाई ये मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर आप घूमने आओगे तो कम से कम आप 3 से 4 घंटे निकाल के आना, अगर आपको ये वाला एरिया एक्सप्लोर करना है, वो भी सिर्फ बाहर बाहर का एरिया। अगर आप अंदर जाओगे रेड फोर्ट के घूमने और दर्शन करोगे गुरुद्वारा साहब के, तो उसका टाइम अलग से है भाई। ये देखो भाई यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी आपको मिल जाएगा, और बीच में ही आपको सारा ये और भी गैजेट्स, कपड़े वगैरह सब कुछ मिलेगा। लाइट्स बाहर भी पड़ी हैं, ये देखो कितनी सही सही लाइट्स पड़ी हैं। खाने के लिए भी सब कुछ मिल जाएगा भाई, और इसी तरीके से आगे तक अभी मैं जा रहा हूँ, और आप देखते रहो, वीडियो में बने रहो भाई। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो पक्का लाइक करके जाना। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव था कि आपको मैं रेड फोर्ट वाला एरिया प्रॉपर से दिखा पाऊँ, कि अगर आप वहाँ पे आते हो तो क्या क्या कर सकते हो। अगर आपको रेड फोर्ट की भी एक अलग से वीडियो चाहिए तो वो भी मेरे आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो भाई ये तो थी मेरी आज की वीडियो दिल्ली टूरिस्ट प्लेसेस पे, जिस पे मैंने कवर किया रेड फोर्ट दिल्ली, उसके अलावा वहाँ का जो आसपास की मार्केट है, जैन टेंपल, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा साहिब और लाइट मार्केट, और उसके अलावा कैमरा मार्केट। तो होप करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, अगर आप रेड फोर्ट घूमने आ रहे हो तो उसके अलावा आप यहाँ पर आके क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हो और क्या क्या घूम सकते हो। तो अगर आपको और अच्छे से ब्रीफ में वीडियोस चाहिए रेड फोर्ट की और शीशगंज साहिब गुरुद्वारा साहिब की और उसके अलावा जितने भी दिल्ली में टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सबको बाय बाय।